नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल जहां अभी हाल ही में 4 नए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का भी हाल ही में चयन किया गया है। आज के इस वीडियो में जानेंगे ये 4 नए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है कौन कौन से, साथ ही इससे जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को भी आज के इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए बिना ज़्यादा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। ध्यान रखना, अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में 4 और बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का चयन किया गया है और इन 4 नए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के शामिल होने के साथ ही पश्चिम बंगाल में बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट की संख्या 4 से बढ़कर के अब 8 हो गई है। और इस 8 के साथ ही पश्चिम बंगाल देश का सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट वाला राज्य भी बन गया है। अब ये 4 नए साइट्स हैं कौन कौन से, तो इनमें सबसे पहला आता है चार बालीदांगा जो कि एक्चुअली में नादिया में पड़ता है, नादिया जिले में। साथ ही ध्यान रखना जो दूसरा है इसका नाम है नामथिंग पोखरी जो कि दार्जिलिंग में स्थित है। आमखुई वुड फॉसिल पार्क जो कि बीरभूम में है और साथ ही स्टेट हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेशन जो कि नादिया में स्थित है। तो इन 4 साइट्स को अभी हाल ही में बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के तौर पर डिक्लेयर किया गया है। अब इसके अंतर्गत जो सबसे पहली बात आती है ये आती है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है, ध्यान रखना है कि जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है या जैव विविधता जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, शब्द को एक्चुअली में दिया गया था वॉल्टर जी रैसन के द्वारा। किसके द्वारा? वॉल्टर जी रैसन के द्वारा इस शब्द को दिया गया था। कब दिया गया था? ये दिया गया था 1985 में। ठीक है, और इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी साइट डिक्लेयर किया था, ये एक्चुअली में डिक्लेयर किया जाता है बायोडाइवर्सिटी एक्ट। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के सेक्शन 37 सब क्लॉज 1 के तहत। अब इसके अंतर्गत सबसे पहली जो बात आती है वो है एक्चुअली में बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट एक्चुअली में है क्या। तो ध्यान रखना है जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट होता है ये एक्चुअली में एक प्रकार का इकोसिस्टम है, एक प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, जिसमें अलग अलग प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज पाई जाती हैं। खासतौर पर इनमें वैसे प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज होती हैं जो कि किन्हीं मामले में दुर्लभ हैं या फिर संकटग्रस्त हैं। ठीक है, तो उनको बेसिकली इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। शामिल करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य होता है कि इन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करना। क्लियर है। अब इसके अंतर्गत एक और चीज ध्यान रखना है, अगर हम भारत में बात करें तो जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है इसकी कुल संख्या 40 हो गई है। पहले यह संख्या 36 हुआ करती थी, इन 4 के शामिल होने के साथ ही अब संख्या बढ़कर के 40 हो गई है। अगर पूछ लिया जाए भारत के अंतर्गत पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कौन सा था, तो ये था नल्लूर टैमरिंड ग्रोव। क्या नाम है? नल्लूर टैमरिंड ग्रोव। ठीक है, ये एक्चुअली में कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है और इसे वर्ष 2007 में बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। क्लियर है। अब बात वापस आते हैं पश्चिम बंगाल पर। तो ध्यान रखना है जो चार बालीदांगा है ये एक्चुअली में कालीगंज ब्लॉक में स्थित है और यह तकरीबन 2 द्वीप में फैला हुआ है। इसका कुल जो क्षेत्रफल है यह तकरीबन 115 एकड़ के आसपास है और ये जो एरिया है ये खासतौर पर यहाँ पर जो बर्ड्स हैं इनकी कई सारी स्पेसीज यहाँ पर पाई जाती है। इसमें अलग अलग प्रकार के लिजार्ड्स पाए जाते हैं, खासतौर पर जो गोल्डन मॉनिटर लिजार्ड होता है, ठीक है, और गोल्डन जैकल्स, ये इस एरिया में काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस वजह से भी इस एरिया को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के तौर पर डिक्लेयर किया गया है। बात करें अगले की, तो अगला जो है यह नामथिंग पोखरी। ठीक है, यह एक्चुअली में तकरीबन 11.9 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, कार्सियंग ब्लॉक में स्थित है और यहां पर भी विद द सेम जो यह एक्चुअली में ये जो इलाका है एक्चुअली में हिमालय के समंदर का घर माना जाता है। इस वजह से भी इस एरिया को एक्चुअली में कंजर्व करना बहुत ही ज़रूरी था। इसके अलावा जो अगला आता है यह है आमखुई वुड फॉसिल पार्क जो कि एक्चुअली में इलाम बाजार में स्थित है और तकरीबन 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसे भी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। और जो आखिरी है ये स्टेट हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेशन जो कि कृष्णानगर में स्थित है, तकरीबन 97.88 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यहाँ पर एक्चुअली में स्वदेशी बागवानी किस तरीके से की जाती है उसके बारे में यहाँ पर बेसिकली बताया जाता है। तो इस वजह से भी ये जो इलाका है, ठीक है, इसे कंजर्व करना ज़रूरी था और इसे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के तौर पर डिक्लेयर किया गया है। अब ये तो हुए जो नए 4 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट हैं जिसे पश्चिम बंगाल के अंतर्गत नामित किया गया है। इससे पहले के 4 कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना है इससे पहले दोत्रे है, एक है टोंगलू, ठीक है, और ये दोनों ही दार्जिलिंग में स्थित हैं। एक है चिल्कीगढ़ कनक दुर्गा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट और साथ ही जो अगला है यह है बानेश्वर सिद्दीकी। तो ये पहले के 4 थे और अभी हमने बात की प्रेजेंट के 4, यानी कि अब वेस्ट बंगाल में कुल 8 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट हो गए हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो जिसके अंतर्गत हमने बात की पश्चिम बंगाल के अंतर्गत शामिल किए गए 4 नए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के बारे में। आशा और उम्मीद कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। वैसे मैं आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।